जयपुर से खबर है कि भजनलाल कैबिनेट की बैठक है आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक है और शाम 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। संविदा कर्मियों की पे स्केल निर्धारण का एजेंडा, पे स्केल निर्धारण के लिए नियम में संशोधन होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग संबंधी नियम में भी संशोधन होगा। कैबिनेट संशोधन का अनुमोदन कर सकती है आज इस बैठक में। 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट, इसकी तैयारियों की भी समीक्षा हो सकती है बैठक में। तो वहीं भारी बारिश से हुए राज्य में हालात की समीक्षा करके निर्देश भी दिए जा सकते हैं। प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को जिलों में दौरे निरीक्षण करके नुकसान का आकलन करने और राहत देने के भी निर्देश दिए जा सकते हैं। उद्योगों को भूमि आवंटन से जुड़े मसले हल करने और कस्टमाइज पैकेज देने से जुड़े बिंदुओं को लेकर भी विचार हो सकता है। विभागों के संभावित उद्घाटन कार्यक्रमों को लेकर भी विचार हो सकता है इस बैठक में। इस लिहाज से बेहद अहम बैठक है ये भजनलाल कैबिनेट की। और चलिए एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, बेहद अहम है जहां आज 5 बजे कैबिनेट और 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, क्या एजेंडे हैं और क्या माना जा रहा है कि अहम फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में? देखिए, इस बैठक में मुख्य तौर पर जो अहम बिंदु है वो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग जो नियम है उसमें संशोधन का है। जो बात आ रही है सामने उसमें यह है कि यह एक बहुत बड़ा वर्ग है जो संविदा कर्मियों का, और उन संविदा कर्मियों के में जो पे स्केल है उसका निर्धारण यदि कर दिया जाए तो काफी हद तक इनकी विसंगतियां हैं वो दूर हो सकती हैं। हालांकि इनको स्थायी नहीं किया जा सकता। कई बार ये देखने में आया है कि जो पिछली सरकार के समय भी बात आई थी कि इनको स्थायी करने का चूंकि मुद्दा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में यह रास्ता निकालते हुए इन्हें जो पे स्केल का निर्धारण किया जाएगा, और पे स्केल जब निर्धारित हो जाएगा तो इनकी जो वेतन विसंगतियों को लेकर जो तमाम तरह की समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है। दूसरा जो अहम बात है कि जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट होगी उसकी तैयारियों को लेकर यहाँ पर समीक्षा हो सकती है कि मंत्री कहाँ कहाँ रोड शो करेंगे, जो बाहर भी विदेश में भी रोड शो होने प्रस्तावित हैं उनकी क्या रूपरेखा है उसको प्रस्तुत यहाँ पर किया जा सकता है। साथ ही साथ जिस तरह से अभी अतिवृष्टि हुई है और जो भारी बारिश के कारण कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ उसको लेकर भी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं। कुछ सेवा नियम में संशोधन है, कुछ कस्टमाइज पैकेज पर विचार हो सकता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट समिट को देखते हुए किस तरह से निवेश आकर्षित किया जाए तो इसको लेकर यहाँ पर विचार हो सकता है ये। और इसके साथ साथ ही विभागों से उद्घाटन और कार्यक्रमों की सूची मांगी गई है कि उनके संभावित उद्घाटन कार्यक्रम क्या हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा घोषणा हो सकती है क्योंकि पीएम मोदी आ सकते हैं इस महीने के अंत या अगले महीने तक, कि जिसमें जो ऊर्जा संयंत्र है उसका उद्घाटन प्रस्तावित है, जो ये तमाम तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनका उद्घाटन, और जो ये दिसंबर में जो ये राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट होगी उसमें भी ये पीएम मोदी की शिरकत रहेगी। तो इसकी पूरी रूपरेखा, पूरी प्रारंभिक तैयारी इसको लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया जा सकते हैं। साथ ही मंत्रियों के दौरों को लेकर भी यहाँ पर विचार विमर्श संभव है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।